दोस्तों मैं शाबाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड मैं आज आपको इस वीडियो में ये वाला होम थिएटर रिपेयर करना सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और इसके अंदर हमिंग की साउंड आ रही है जब इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूँ कि वह साउंड कैसी है। ये देखिए हमने इसको ऑन कर लिया लाइट, ये देखिए आप। कैं कैं की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। देखिए फ्रेंड ये हमिंग साउंड है, ये कंपनी से आया हुआ है अभी और इसके अंदर अभी तक इसको खोला नहीं है और इसके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिए। तो फ्रेंड अब इसको मैं बताऊंगा कि इस हमिंग की साउंड को किस तरीके से दूर किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ मॉडल इस्तेमाल किया गया है और कंपनी ने इसके कनेक्शन किए हुए हैं। और एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सेट जो है हमारा लोकल सेट है, ये जो दिल्ली मेड है, दिल्ली में बनाए जाते हैं ये। तो इसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया है कि इसके अंदर ये की आवाज़ आ रही है वॉल्यूम बंद करने के बाद। अब ये ऐसा क्यों होता है आप इसमें ध्यान से देखें, इसके अंदर ये दो कनेक्शन दिए गए हैं निगेटिव पॉजिटिव 5 वोल्ट ये, और इसका अर्थ भी इस्तेमाल किया गया है जो कि यहाँ लगा हुआ है। और एक अर्थ पॉइंट इसका ये सेंटर का जो आ रहा है ये भी इसका यहाँ वॉल्यूम पे ही अर्थ किया गया है। तो ये दो अर्थ अलग अलग होने के बावजूद इन्होंने एक ही जगह इस अर्थ पॉइंट को दे दिया है जिसकी वजह से ये की आवाज़ आ रही है। अभी हम आपको दिखाएंगे इसको काट कर कि इसको काट कर ये आवाज़ किस तरह से दूर होती है। तो आप इसको इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब ये देखिए ये इसकी आवाज़ फुल कर दी, अब ये आवाज़ इसकी बंद कर दी। बंद करने के बाद आप देखिए ध्यान से इसकी ये आवाज़ की आ रही है। और ऐसे में ये अगर हम आवाज़ इसकी खोलेंगे थोड़ी हमिंग में फ़र्क पड़ रहा है लेकिन फिर भी आ रही है, बंद करने पे ज़्यादा आ रही है। तो इसको अगर हम तार को यहाँ से इस को हटाएं, अर्थ पॉइंट से इसको हटा दें अगर, तो आप देख सकते हैं इसे तोड़ देते हैं हम। ये देखिए ये टूट गई, हमिंग गायब हो गई। अब इसमें कोई किसी तरह की हमिंग नहीं है इसे तोड़ने के बाद। इसको अगर लगाएंगे ये देख सकते हैं आप, तो ये कनेक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब इसको चला के देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी आप ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाएं तो इसकी एक अर्थ की तार लगाएं और दूसरी अर्थ की तार खाली छोड़कर देखें कौन सी तार को लगाने से ये सही हो रही है साउंड, जिसमें साउंड सही हो रही है वही तार आप अर्थ में यूज करें।